उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं और उसी दौरान कई मतगणना स्थल से गड़बड़ियों की शिकायत भी पाई गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। अब ऐसी प्रामाणिक घटना सामने आई है जिसकी अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो सीसीटीवी फुटेज से दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी की आड़ में पंचायत चुनाव मतदान और मतगणना के बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, लेकिन जब प्रत्याशियों के द्वारा उन गड़बड़ियों का विरोध किया गया तो उनको ही गलत ठहराते हुए पार कर दिया जाता था। अगर पंचायत चुनाव में हुए घोटालों की बात करें तो कुछ इस तरह के घोटाले हुए कि आप भी सुनेंगे तो सोचेंगे कि आखिर क्या ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और शिकायत करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कोर्ट में जाकर न्याय मांगने के लिए कहा गया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा के अंतर्गत विसंडा ब्लॉक के 27 नंबर वार्ड का बताया जा रहा है, जहां मतगणना के दौरान वार्ड 27 की मत पेटियां खुली हुई आ रही थी और मत पेटियां के खुले होने का विरोध जब वार्ड 27 के प्रत्याशियों ने किया तो उप जिलाधिकारी ने उनकी एक न सुनी और खुली हुई मत पेटियों की गणना करवा दी। इसके बावजूद जब एक प्रत्याशी जीतने लगा तो जीत का प्रमाण पत्र बांदा में देने का आश्वासन देकर मतगणना स्थल से हटा दी और प्रत्याशी के विजयी होने की सूचना मीडिया को दी। क्या नाम है आपका और क्या परेशानी? मेरा नाम अजय कुमार है, वार्ड नंबर 27 बिसंडा प्रथम सिंहपुर से उम्मीदवार था। जब मतपेटियां वहां से सील की गई हैं, हम लोगों के सामने अभिकर्ताओं के सामने सील हुई हैं, उनमें सील और मोहर हुई है। जिस दिन हम काउंटिंग में थे, हमारे अभिकर्ता थे, उन्होंने बताया कि भैया सील खुली हुई आ रही है पेटियों की। हम वहां गए, मौके पे देखे, सुबह का टाइम था, करीब 3-4 बज रहे थे, तो हमने देखा सील खुली हुई थी। हमने तुरंत रुकवाने का प्रयास किया, एसडीएम महोदय अतर्रा सौरभ शुक्ला जी को हमने बुलाया। हमने कहा महोदय ये क्या हो रहा है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा जो हो रहा है उसको होने दो, आपको जो करना है आप करो, कोर्ट जाना है कोर्ट जाओ, आपको जो करना है, कोविड-19 चल रहा है, मतगणना नहीं रुकवा सकते हैं। मैंने कहा महोदय ये हो क्या रहा है, वहाँ से जो सील पैक हुई आई है, यहाँ सील खुली कैसे है? उन्होंने कहा आपको जो करना है आप बाहर करिए। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, 22 सेकंड का हमारे पास वीडियो है भी, पर उन्होंने पुलिस वाले ने हमारा मोबाइल खींच लिया और मोबाइल जमा ले लिया। हमने कहा लोकतंत्र की हत्या है, बोले जो करना है आप कर सकते हो, आप कोर्ट जाओ, जहाँ जाना है जाओ। चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि जो हुआ है ये लोकतंत्र की हत्या है, उनका जिनको प्रमाण पत्र दिया गया 4th नंबर के प्रत्याशी को, उनसे पुनः लेके या उसको रद्द करके और दोबारा इस वार्ड की, चाहे हाई कोर्ट के देखभाल में या कोर्ट के देखभाल में, पुनः इसका मतदान हो, ताकि लोकतंत्र की जो हत्या हुई है उसमें लोगों पे जो माहौल गया है गलत, वो सही हो और दोबारा इसका चुनाव कराया जाए। इस वार्ड का हम ये मांग करते हैं। कोरोना काल चल रहा है, बारिश आ गई, तो आप लोग ऐसे में मांग कर रहे हैं? अगर हम ये नहीं चाहते ना कि आज हो, हम आज ये नहीं चाहते महोदय कि आज हो, जब भी हो, कोरोना ख़त्म हो जाने के बाद हो, तब तक के लिए होल्ड रखा जाए और उसका प्रमाण पत्र लिया जाए, ताकि उसको अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि वो 4th नंबर का प्रत्याशी है। क्या नाम है आपका? भोला प्रसाद। किन बातों को लेकर आए हम आए हैं? वो जो सिंहपुर वार्ड 27 नंबर से जो चुनाव हुआ है उसमें घपलाबाजी हुई है, जो घपलाबाजी हुई है उतरवा के जो बाक्स थे 3 वो खुले आए हैं, क्योंकि हम जो मौके में सील लगाए थे, साइन किए थे, वो साइन नहीं मिले और पूरे बाक्स एकदम खुले थे। इसके बाद हम लोग जो है वहाँ रात भर गिनती में रहे, दिन भर रहे। इसके बाद हमने शिकायत भी किया SDM साहब से, सब लोग मिल के, सब प्रत्याशी भी मिल के शिकायत किया, लेकिन SDM साहब ने कहा कि जाओ यहाँ कुछ नहीं होगा, कोर्ट में जाइए आप। और कोरोना काल चल रहा है, हम दोबारा गिनती की भी मांग की, लेकिन उन्होंने कहा दोबारा गिनती नहीं होगी और आप कोर्ट जाइए। इसके बाद जो है इनका पहले से सांठगांठ था और हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव रद्द करके और दोबारा चुनाव हो, क्योंकि घपला हुआ है इस चुनाव में और जो जीता हुआ प्रत्याशी था उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया और जो 4th नंबर का प्रत्याशी उसको प्रमाण पत्र दिया गया। क्या नाम भैया आपका? ओम प्रकाश सिंह। क्या पूरा प्रकरण क्या है, किस इलाके का मामला है? प्रकरण ये था कि वहाँ रात में 3 बजे 2 बॉक्स आए थे, दोनों बॉक्सों की सील टूटी हुई थी। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया तो प्रशासन हम लोगों को डांट के भगा दिए, बोले बिल्कुल सब सही है और सील खुली नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं।
हमारे पास उसकी वीडियोग्राफी भी है। किस क्षेत्र का माहौल है ये? उतरवा गांव का जो है बॉक्स खुले हुए थे बिसंडा में। तो किस पद के चुनाव लड़ रहे थे? जिला पंचायत के चुनाव थे, वार्ड कौन सा था? वार्ड नंबर 27। तो आप अभिकर्ता थे उस पर? जी हाँ। जब सील हुए थे बॉक्स वगैरह वहाँ पर तो जी, आपने साइन किया था उस पर? हाँ, हमारे सबके साइन थे। तो वो जब आप दोबारा खोलने देखने गए वो साइन मिले आपको वहाँ पर? नहीं, साइन नहीं मिले। नहीं, खुले थे बंद थे? नहीं, खुले हुए थे, सील टूटी हुई थी और कपड़ा जो था वो कपड़ा भी हटाया हुआ था। ऐसा क्यों किया गया होगा? अब ये तो वोटों के हेरा फेरी के लिए किया गया। तो क्या कुछ वोट घोटाला हुआ है, घपला हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल घोटाला हुआ है। किस तरह घोटाला? वोट बदले गए हैं, जब बॉक्स खुला है तो उसमें जाहिर सी बात है कि वोट बदले गए हैं। तो अभी क्या है वर्तमान में, क्या वो निष्पक्ष नहीं है? नहीं, उसको वो तो चौथे नंबर पे था। अच्छा। तो पैसा खिला के जो है तो बढ़ा लिया है वोट, उसको दे दिया प्रमाण पत्र दे दिया है। क्या चाहते क्या? हम लोग दोबारा चुनाव चाहते हैं, पहला चुनाव रद्द किया जाए और पुनः मतदान हो। क्या नाम है आपका? बुधिया वाइफ रामसाथ। जी बुधिया प्रत्याशी थे 27 वार्ड से। बुधिया प्रजापत लड़ी थी जी। जी पत्नी है मेरी, मेरी पत्नी। क्या थी वो? मेरी पत्नी थी, 27 वार्ड में भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी। तो क्या हुआ वहाँ पर जो है? वहाँ कक्ष नंबर 4 और पेटी नंबर 7 जो है उतरवा गांव के जो है बक्स नंबर बक्स जो के सील टूटे थे। पहले 2 तो निकल चुके थे, 2 के बाद 2 के बाद एजेंट बताते थे, फिर उसका नकार, फिर तीसरे में हम लोग गए तो तीसरा डिब्बा पकड़ा गया। फिर इसके बाद यारों के पास गए, यारों से शिकायत की, यारों ने कहा कि आप SDM के पास जाइए। SDM के पास गए, CO साहब भी SDM साहब आए, आ करके थोड़ा 10 मिनट कर खड़े हुए थे। खड़े होने के बाद इसकी काउंटिंग होगी, जितने एजेंट यानी प्रत्याशी सब लोग कहा कि इसकी काउंटिंग हम नहीं कराएंगे, दोबारा मतदान हमें चाहिए। बोले कुछ नहीं होगा, इसकी काउंटिंग हम कराएंगे, आप या रहो या ना रहो। सारे प्रत्याशी बाहर निकल गए और निकल के अपने आप उन लोग काउंटिंग करा के अब फिर जो बताया गया वही प्रत्याशी अपना लोड किया एजेंटों ने। आपको क्यों लगता है कि मतलब सील टूटी हुई थी? क्या देखा आपने? कोई साक्षात्कार है? हाँ, उसमें सील टूटी थी। बोले ऐसे धोखा में टूटी है, तो ये बात कि सील अगर टूटी तो सील भी होना चाहिए, पर्ची भी उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन पूरा जो काम होता था वो उसका CCTV निगरानी होता है, तो गलत कैसे हो गया इस तरह? अब इसमें अब गलत किया गया है, जब गलत हुआ है तो क्या मांगा आपने? अब हम लोग ये मांगा कि जो है हम लोग तुरंत जो है फिर इसके बाद जो है कोरोना ये हटाने के बाद हमें चुनाव जो है दोबारा चाहिए। तो इसका क्या होगा अभी वर्तमान में? वर्तमान में अब यही हम कहना चाहते हैं कि दोबारा मतदान होना चाहिए।